और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का देखिए आज दूसरा दिन है और कुछ ही देर बाद द्वारका मंदिर में पूजा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात को कई योजनाओं की सौगात देंगे। देश के सबसे बड़े केबल पुल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 52,500 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जाएगा, शिलान्यास यहां पर होगा और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर है और आज उनके दौरे का दूसरा दिन बताया जा रहा है। कुछ ही देर बाद देखिए बेट द्वारका मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे, कल राजकोट में रोड शो हुआ उस दौरान की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ता हुआ, लोगों से यहां पर जो लोगों की भीड़ यहां पर नजर आ रही है, लोगों का हुजूम यहां पर नजर आ रहा है अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ आज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया जाएगा। 7:45 का वक्त बताया जा रहा है जब बेट द्वारका मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, यहां पर पूजा अर्चना वो करेंगे और उसके बाद देखिए 8:25 के समय पर वो ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। 8:50 पर अश्वमेघ यज्ञ में वो शामिल होंगे और 9:30 द्वारकाधीश मंदिर में वो मौजूद रहेंगे। ये पूरा कार्यक्रम जो होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1:00 देखिए द्वारका में शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा, कई बड़ी सौगात वो देने वाले हैं। 3:30 एम्स राजकोट दौरा उनका होने वाला है। 4:45 पर राजकोट में ही शिलान्यास होगा, उद्घाटन यहां पर किया जाएगा। तो कई बड़े कार्यक्रम आज पूरे दिन भर रहने वाले हैं गुजरात में। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात को कई योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। देश के सबसे बड़े केबल पुल का उद्घाटन आज किया जाएगा। दो तस्वीरें गुजरात की ही हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज उनके इस दौरे का दूसरा दिन है। Zee News.